मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दे दी है, उनको तो हम धन्यवाद करते हैं। शिक्षा मंत्री ने भी हामी भर दी है कि आप लोग की बहाली होगी, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज 12वां दिन है, 10वें दिन सरकार के तरफ से यह एक नोटिस या एक तरह से सूचना आ गई कि इन लोगों की बहाली अब रुकेगी नहीं, इन लोगों की बहाली ली जाएगी। मगर कब ली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहाली की प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है कि बरस दो बरस इतना गति से बीत जाता है या ऐसे बीत जाता है कि फिर सुनने वाला वहाँ कोई नहीं आता है बहाली का, तो आप लोग लगता है डरे हुए हैं कि कहीं 2-3 साल ना खींच जाए, ये भी एक मामला है। देखिए, पहले भी लगातार जो डेट बढ़ते चला गया उसके कारण जो है काफ़ी अभ्यर्थियों में मायूस है। लगातार सरकार शेड्यूल निकाल निकाल करके डेट एक्सटेंड करती है, तो उससे थोड़ा सा अभ्यर्थियों में विश्वास में कमी है। लेकिन इसके बाद जो अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बहाली प्रक्रिया शुरू करने के लिए जो हरी झंडी दी गई है, और प्रधान सचिव ने भी अपने वक्तव्य में इस बात की पुष्टि की है कि प्रधान ये जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय हैं उनको पावर दी गई है कि वो अपने स्तर से काम करें, क्योंकि उनको पावर सीज कर ली गई थी, इसलिए अब स्वतंत्र हैं, वो अपने स्तर से वो काम कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि रंजीत सर हम लोग के लिए अच्छा ही सोचेंगे। और जब हम पिछले बार उनसे मिलने गए थे डेलीगेशन टीम में, तो हमने उनसे कहा था कि सर हम लोगों के अभ्यर्थियों के हित में ही काम करें, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी हताश हैं, निराश हैं, उदास हैं, इसलिए आप सर थोड़ा हम लोग पर ध्यान दीजिए। उन्होंने बड़ी मुस्कुराते हुए कहा था कि बिल्कुल राजेंद्र जी, हम आप लोगों को ध्यान दे रहे हैं और बिल्कुल आप लोग के हित में ही काम करना पड़ेगा, हम करेंगे, बिल्कुल आपको आश्वस्त करता हूँ मैं। तो अभी जो डेट मतलब जो शेड्यूल का जो अथॉरिटी लेटर होता है, जो शेड्यूल जारी होने की बात हो रही है, तो थोड़ा आज भी हम लोग इंतज़ार में गर्दनी बाग। आज हम लोग का 12वां रोज है, 12वां दिन है हम लोगों का महा आंदोलन सहधारणा प्रदर्शन का, तो हम लोग यहाँ पर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग सचिवालय में गए हैं, वहाँ से बात हो रही है रंजीत सर से, वहाँ से क्या बात होती है, क्या निकल कर के आता है, थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा। उसके बाद हम उसको क्लियर करेंगे कि उसमें सरकार के क्या मंशा है, किस मुद्दा पर, किस स्वरूप पर, किस स्ट्रक्चर पर बहाली करना चाहती है, तो उसके बाद हम आपको खुलासा करेंगे। लाइव में भी आकर के हम आप लोगों के सामने खुलासा करेंगे, आप लोगों का कोई सवाल होगा उसका जवाब भी हम लोग देंगे। मतलब अब मुख्यमंत्री से आशा बढ़ा है? बिल्कुल, मेन मुख्यमंत्री जी के जो साइन नहीं हुआ था उसके कारण सभी लोग शिथिल पड़ गए थे, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी भी तो वो कर दिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दे दी है, उनको तो हम धन्यवाद करते हैं। शिक्षा मंत्री ने भी हामी भर दी है कि आप लोग की बहाली होगी, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने संगठन की तरफ से, और ख़ास तौर से जो शिक्षा विभाग के समस्त जो पदाधिकारी हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम थोड़ा देर ही हुई लेकिन हम लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हैं आप लोग, और आगे भी आप लोग अच्छा सोचेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद है। धरना प्रदर्शन कैसा होना चाहिए? यह धरना एक तरह से हम कह सकते हैं कि सभी के सीखने योग्य बातें हैं, क्योंकि 10 दिनों तक धरना प्रदर्शन चला, अभ्यर्थियों का जोश और जुनून बरकरार रहा, बिल्कुल ही सही ढंग से यहाँ पर लोग बैठे हुए थे। 19 तारीख की घटना जो भी हुई, 18-19 कितने तारीख था, 18 जनवरी को जो लाठीचार्ज हुआ, 19 तारीख था उस दिन जो भी हुआ, कुछ अभ्यर्थी हो सकते हैं, पुलिस अधिकारी का कहना था कि कुछ अभ्यर्थी बदमाशी कर रहे थे, तो ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें फिर सभी अभ्यर्थियों को इसका परेशानी का सामना करना पड़ा, टेंट पंडाल को हटाना पड़ा। अंततः इन लोगों की बातें मुख्यमंत्री तक पहुंची और मानी गई, और उसके बाद अब इन लोगों का कहना है कि जितनी जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उतनी बेहतर रहेगी। इसको लेकर इनकी जो टीम है सचिवालय, और एक अधिकारी का क्या नाम बताए, डॉक्टर रंजीत, IAS रंजीत, डॉक्टर रंजीत, रंजीत कुमार सिंह नाम है, जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक है। हाँ, निदेशक है, तो वो सभी बातें मान रहे हैं, और लगातार हम इसका कवरेज करते रहते हैं और लगातार खबरें भेजते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे, झकास भारत देखते रहिए, और कैमरे के पीछे मधुरेंद्र जी हैं, सीतामढ़ी से मधुरेंद्र जी आए हैं, अभी फिलहाल मोबाइल वही पकड़े हुए हैं, उनको धन्यवाद कहूँगा, और झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।